सब कुछ ठीक है ना? इस बार कुछ बन पाया कि क्या? देख, हम लोगों का यही एक रास्ता है। ये बेल और कितना मेहनत करेगा, इन दोनों बेलों से जितना हो सके उतना ही तो करेगा ना। आजकल इतना महंगा जमाना आया, बेटे की शादी रसाने के लिए भी तो कुछ ज्यादा ही पैसों का इंतजाम करना है। मुझसे जितना हो सके मैंने कर लिया, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा धीरे बोलिए, मन भर घर में ही है। बेटा कहीं जा रहे हो क्या? अरे बेटा, तुम्हारा बाप तुमसे कुछ पूछ रहा है ना, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? देखिए, ये तो अपने बाप से भी अच्छे से बात नहीं करता है। इसका माथा में क्या घुस गया है? बड़ा हो गया है तो उसको जवानी सड़ गया। देख मनबर की माँ, वो अभी जवान हो गया है, अब हम लोगों का जमाना भी नहीं रहा। आजकल के लड़के सभी ऐसे ही है, न जाने क्या ख्याल में डूबा रहता है। अब इतना ही जवानी सड़ गया है तो क्यों ना कुछ काम धंधा करे। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना। क्या कहा था? कहा था कि उसको ज्यादा नहीं पढ़ाना। अब क्या हुआ, पढ़ लिख कर वो तो नवाब बन गया, खेतों के कामों में ध्यान ही नहीं देता। देख, उसका सोच विचार इतना बुरा नहीं है, देखना एक दिन वो कुछ न कुछ बन के दिखाएगा। लेकिन उसका कहना है कि पहले आपको सुधरना है, जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करना ही है। लेकिन
इतना पैसे किस लिए? हम जैसे लोगों को तो इतने बड़े रकम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अरे मनवर, कहाँ जा रहे हो भाई? बस ऐसे ही, घर बैठे बैठे दम खुद रहा है, सोचा बाहर थोड़ा खुला हवा ले लूं। अरे यार, आजकल के जमाने में तुम जैसे जवान लड़का घर में ऐसे बैठे रहते हैं क्या? तुम ये मोटरसाइकिल लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे यार, आओ ना, घूमने चलते हैं। अच्छा सफी, तुम्हारा ये बाइक बहुत अच्छा है ना? हाँ हाँ, ये आजकल का तेज चलने वाला बाइक में से एक है। इसका ब्रेक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ दबाओगी ना वहीं तुरंत रुक जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं आजकल मैकेनाइज्ड फार्मिंग का काम करता हूँ। खेत में ट्रैक्टर पेयर, मतलब पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेत करता हूँ। तो फिर ये बाइक क्यों लिया भाई? अरे यार, मुझे अभी बहुत तेजी से यहाँ से वहाँ काम करना पड़ता है, और पैदल चलकर तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग का काम हो नहीं सकता, इसलिए मैंने ये बाइक ले लिया। अरे बाप रे भाई, ये तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? अरे भाई, ये सब बहुत बात है, तुझे मैं बाद में बताऊंगा। मनवर सुनो तो जरा। क्या बात है, जल्दी कहिए, मैं कहीं जा रहा हूँ। सुनो तो सही, क्या है बेटा? मनवर, मैंने तय कर लिया कि मैं खुदकुशी करूंगा। खुदकुशी? बाबा आप ऐसे बातें मत कहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आपने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया। अभी आप ऐसे मनोज बातें मुंह से मत निकाली। बेटा मेरे लाल, मेरा पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बुढ़ापा में ब्याज में भी पैसा नहीं मिल रहा है, घर का खर्चा भी मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूं? देखिए बाबा, आपके खुदकुशी करने से माँ का हालत क्या होगा, आपके बिना वो भी नहीं जी पाएगी बाबा। और मैं इतना बड़ा लड़का होकर अगर आप लोगों का देखभाल नहीं कर पाया तो माँ के साथ मुझे भी खुदकुशी करना पड़ेगा। इसका मतलब हम पूरा परिवार इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगा बाबा। देख बेटा, जब हमने तुमको जन्म दिया तो उस समय हम लोगों का एक रंगीन सपना था कि बेटे को पाल पुस कर पढ़ा लिखा कर बहुत बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, पर अभी ऐसा लगता है कि मेरा जीवन रख थम गया है। तुम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मेरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। क्यों? मैं हूं ना बाबा, मैं अभी बड़ा हो गया हूं, और अब देखते रहना बाबा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मेरे खुदकुशी करने से ही तुम लोग जी पाओगे या कुछ कर पाओगे,
ये दुनिया बहुत खराब है रे बाबा। माँ, बाबा को आप समझाइए ना, अगर वो ऐसा करेगा तो हमारा पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा। मैं क्या समझाऊं, तुम खुद उसे समझाओ बेटा। मैं तो कहते कहते ही थक गई हूँ। इनका कहना है कि इनके मर जाने से तुम जी सकोगे, ऐसा है क्या? तुम चुप रहो। बेटे को हम लोगों ने बड़ा किया, लेकिन अब वो बिना पैसों से कैसे चलेगा, उसका शादी कैसे होगा, और हम लोग भी महाजन का ब्याज और भूखा पेट लेकर कैसे जिएंगे? ये भी क्या जिंदगी है? तो क्या आपके मर जाने से घर में पैसा आएगा? अरे क्यों नहीं, मरने से पहले ही मैं बीमा कर लूंगा। बीमा वाले के साथ मेरा बातचीत हो गया। इंश्योरेंस वालों को आप इतना बुद्धू समझते हो क्या? वो लोग ऐसे खुदकुशी या मर्डर के लिए पैसा नहीं देते है बाबा। ठीक है, कम से कम महाजन के जुल्म से तो बच सकोगी। आपके खुदकुशी करने से ऐसे बदनामी घर में कौन लड़की बहू बनकर आना चाहेगी? यानी मेरे जिंदगी में कोई भविष्य ही नहीं रहेंगे। हाँ ठीक कहा, इसके भविष्य के बारे में हमें ही सोचना होगा। मैं तो अभी बुद्धि हो गई हूँ, अब जैसे तैसे एक बहू घर में लाना ही होगा। अभी क्या हमारा बदनाम नहीं हुआ है? दो वक्त का खाना ठीक से जुटा नहीं पा रहा हूँ मैं, सिर्फ महाजन की गाली और लाठियाल की लाठी। अब बदनाम सहने की कोई रास्ता रह गया है क्या? अभी भी बदनाम और खुदकुशी करने से भी बदनाम। इसके अलावा आप मनभर को कुछ कमाने के लिए रास्ता नहीं दिखा सकते हैं क्या? यही तो सोच रहा हूं मैं। अच्छा भाई साहब, जरा रुकिए तो, आप मनभर के पिता मुनिया को जानते हैं क्या? मनभर के पिता? हाँ मैं ही हूँ। क्या? पर क्या बात है? हा? अच्छा तो आप मुनिया है? हाँ तो ठीक है, बात तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है। क्या बात, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका एक बात सुनकर हम लोगों को बहुत खुशी हुआ, मेरा मतलब है बहुत दुख हुआ, इसलिए आपके पास चले आए। मैं कुछ समझा नहीं, आप है कौन, किस लिए आए हैं, कम से कम ये तो बता दीजिए। देखिए, मैं हूँ सरकार का अपोजिशन यानी विपक्ष पार्टी का एक साधारण कर्मी। सुनिए, राजनीति में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है, ऊपर से मैं एक साधारण कृषक हूँ, सारा जीवन किसी कर्म करके ही बिताया, अभी मैं बुढ़ा भी हो गया हूँ। नहीं नहीं, आपको राजनीति में आने की या हमारी पार्टी को मदद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो और दूसरा क्या काम है? मतलब आप जो ये महान काम करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। महान काम मतलब? महान काम मतलब आपने बोला था ना कि आप खुदकुशी करेंगे, तो ये महान काम के लिए हमारे पार्टी की तरफ से मैं आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। हाँ मैं खुदकुशी करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं कि ये एक महान काम है? अब कोई कोई तो बोल रहा है कि ये बहुत गलत काम है, बुरा काम है। नहीं नहीं, सरकार का कृषक विरोधी नीति के लिए है तो आप खुदकुशी कर रहे हैं ना, इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। पर घर वालों ने इस काम के लिए मना कर रहे हैं। अरे आप उन लोगों की बात मत सुनिए,
उन लोगों के बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब? हाँ? क्या मतलब? अरे सरकार का कोई दलाल आपके परिवार वालों का भड़का रहे हैं। सरकार? सरकार का क्या बात है? अरे आप कुछ भी नहीं समझते, आपके खुदकुशी करने से सरकार का हेतु बदनाम होगा ना। हाँ। तब उन लोगों का कृषक विरोधी नीति के बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा। पर इसमें आपका क्या फायदा होगा? फायदा मतलब हम लोगों का बहुत फायदा होगा। पब्लिक इस सरकार को तोड़ के हमारे पार्टी को वोट देगा, हमारे पार्टी का सरकार होगा और हम बहुत कुछ कर पाएंगे। मैं तो ये सरकार, विरोधी सरकार, ये सब नहीं जानता हूँ। जिंदगी से हार मानकर मैं खुदकुशी करने के लिए सोचा हूँ, लेकिन खुदकुशी करने से मेरा क्या फायदा, मेरा परिवार को क्या फायदा होगा? खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फायदा? फायदा क्यों नहीं, आपको तो फायदा ही फायदा। आपका खुदकुशी करने से, मेरा मतलब है आपका ये महान काम करने से हमारी पार्टी की तरफ से आपको पैसा मिलेगा। और आपको सही है तो आप एडवांस भी ले सकते हैं। तो मैं जरूर खुदकुशी करूंगा। हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक बात है, आप पब्लिक को ये बात नहीं बता सकते, नहीं तो आपको जो ये हमारी पार्टी की तरफ से पैसा देने वाले हैं ना, ये पैसा नहीं मिलेंगे। नहीं, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। हाँ। लेकिन हाँ, घर वाले को तो बोलना ही पड़ेगा ना, मेरे मरने के बाद बाकी पैसे उन्हीं लोगों को लेने होंगे। जरूर जरूर क्यों नहीं, लेकिन एक बात है, हम लोग जो विरोधी पार्टी है ना बहुत ही ईमानदार है, हम लोग कभी भी धोखा नहीं देते, हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। आप लोगों का ये सहायता के लिए आप लोगों की पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा खुदकुशी करने का कम से कम कोई तो मतलब होगा। जरूर जरूर, और फायदा भी, मतलब रुपया। फायदा भी, जिंदगी में एक साथ इतना पैसा कभी नहीं देखा था। और एक बात, इस बार हम लोगों का पार्टी पावर में आने से आपके बेटे को नौकरी भी दिला देंगे, ये हमारा वादा रहा। सच? जरूर जरूर क्यों नहीं, हम लोग बहुत ईमानदार हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बेचारा किसान। चार, आपने एक बात सुना है कि नहीं? क्या बात? सिमली जिला का मुनिया बोल के एक किसान खुदकुशी करने जा रहा है। ये तो बहुत बुरा बात है, क्यों, क्या हुआ? वो गरीबी से तंग आके खुदकुशी कर रहा है। उसका कहना है कि उससे कृषि से रोजी रोटी नहीं मिल रहा। अरे ये तो हम लोग का बहुत बदनाम होगा, अरे पूरा हिंदुस्तान का अखबार में हम लोग का भी नाम छपा जाएगा ना। सर ये बहुत बड़ा साजिश है हमारे पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, उनका कितना जमीन है ये किसान का? ये किसान का खेत करने के लिए करीबन 6-7 एकड़ जमीन है। तब तो ठीक है, लेकिन क्यों उसका खेत क्यों नहीं हुआ? उसका एक लड़का है। हाँ। वो लिखा पड़ा है। हाँ। इसीलिए वो आजकल बेल से खेती करने नहीं चाहता। हाँ बात तो ही है ना, है? आजकल का लड़का लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिया और ये खेती करना सोचता है जो बेइज्जती है, है? कृषि कर्म नहीं कर सकता है लोग, नहीं चाहता है लोग। वो तो बेकार है ही, उसके अलावा उसका माथा में सर गया शादी का बुखार,
उसे इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? अरे शादी का छोरो, वो आदमी अगर खुदकुशी कर लिया तो हम लोग का नौकरी भी समझो खत्म। अरे सबसे बदनामी होगा तो हम लोग को है? ये अखबारों में जो उन लोग का वो किसानों का साथ, हम लोग का भी फोटो निकलेगा ना बड़ा बड़ा। सर इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ 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 हाँ, कुछ तो करना ही होगा। हाँ देखो भाई, ये जो कृषि विभाग है ना, ये कृषि विभाग उन जैसा कृषकों के लिए ही है ना। सर शायद उन्हें हम लोगों का दिया हुआ सुविधा के बारे में पता नहीं। अनपढ़ गवार है, ये पढ़ लिख कर भी वो लोग का कुछ पता नहीं दुनिया का। ये सब मतलब चुल भर पानी में डूब बना चाहिए। सर वही तो हो रहा है ना। हाँ राधिका, ओ राधिका, राधिका सुनते हो? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे सुन इधर आ, तुमने एक बात सुना है कि नहीं? कौन सी बात? अब हम सबको मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा और हमारे बेटे का भी शादी और शायद नौकरी भी होगा। सच? ऐसी हाँ। क्या बात हो गई कि हमारे सारे मुश्किलों का हल एक ही दिन में मिल गया? आज मेरा मुलाकात एक विरोधी नेता से हुआ है और तय भी हो गया। तय हुआ? क्या तय हुआ? मेरे खुदकुशी करने से वो लोग हमें अच्छा सा रकम देगा और अगर वो लोग सरकार बना पाएंगे तो हमारे बेटे को नौकरी देगा, ये वादा करके गया है। हाँ अगर वो लोग सरकार बना पाएगा का क्या मतलब? वो लोग कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। लोगों से झूठा वादा करके और ऐसे मनुष्यहीन काम करके क्या कोई राजा बन सकता है? मनुष्यहीन का क्या मतलब? वो लोग तो आपको खुदकुशी करने के लिए पैसा दे रहा है ना, इसका क्या मतलब है? मतलब इतना खराब नहीं है। ये लोग तो आदमी को मारने वाला पार्टी है, किसी को मरने के लिए पैसा देना ये अच्छी बात है? अरे मनबर की माँ जरा सोचो तो, मनबर को जीने के लिए मुझे मरना होगा, मेरे खुदकुशी करने से कुछ पैसे मिलेगा, उसको शादी ब्याह होगा, एक गृहस्थी सला सकेगा। और मेरा मेरा क्या होगा? तुम चुप रहो, खाली बक 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 कर रहे हो। तुम भी इन लोगों के साथ अपना जिंदगी बिताओ, पैसा है तो सब कुछ है। अरे अपने सुहाग नहीं रहे तो मैं कैसे जिंदगी जीऊं? सुनिए आप तो ये खुदकुशी वाला बात छोड़ो, समझे? तुम्हें कैसे समझाऊं, ये जिंदगी जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक बार ये मन हंस ख्याल मन में आ गया तो बस। कैसे समझाओ कि ये गलत बात है? आप जानते हैं कि नहीं ये कितना बड़ा पाप है, जानते हैं आप?